जान की माँ, मैं कोई बहाना बनाने या फिर कोई सफाई देने नहीं, आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए जान की माँ। गलती की हो तो माफी भी मिल जाए, लेकिन तूने तो धोखा दिया है मनोज, तुझे माफी नहीं मिलेगी। पिछू, एक बार मुझे जानकी माँ से बात तो करने दे। जब घर छोड़ के गया था तब तो किसी की नहीं सुनी थी, तो अब क्या बात करनी है माँ से? ज्योति जी, दवाई के डब्बे में पट्टियां रखी हैं, ये लेकर आओ, इनके मुंह पे बांध दो। ये हमारा घर है, यहां हमारी मर्जी चलेगी, इनकी नहीं। जितना पूछ रहे हैं उतना ही बोलो। 24 साल बाद अचानक इस मेहंदी वाले घर का रास्ता कैसे भूल गए आप लोग? भाभी माँ, भाभी माँ, हमसे मतलब मनोज मिला था हमको घाट पे, हम आपको बताने वाले थे, लेकिन हमने ना ही कही इनसे यहाँ आने की। तो ये तीनों आसमान से टपक के बिना खजूर के पेड़ से अटके यहाँ कैसे धमक गए? बिना हमसे पूछे किसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो इन्हें यहाँ पर बुलाया? बोलो किसने बुलाया? हमने, इन्हें हमने बुलाया है। ये उम्मीद नहीं थी हमें आपसे, याद है ना? जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करके चले गए थे ये लोग, फिर भी आपने इन्हें यहां बुलाया? जानकी, 24 साल में एक बार भी नहीं झांका इन्होंने। मनोहार पत्रिका भेजी थी अक्कू ने, फिर भी कोई नहीं आया। पर जब हमने झूठ बोला कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तो देखो तीनों सच में यहां आ गए, सिर्फ तुम्हारे लिए। जानकी, बीमार पड़े हमारे दुश्मन, सिर के बाल से पैर के नख तक में कोई बीमारी नहीं है हमें, न बीपी, न शुगर, न कोलेस्ट्रॉल। एग्जैक्टली। अरे दादी माँ को कोई बीमारी नहीं होती, बीमारी को दादी माँ होती है। चुप रह। बीमारी तो एक बहाना है, पर जो इन्हें यहां लाया है ना, वो तुम्हारे लिए इनकी चिंता है, इनका प्यार है। जानकी, अगर इन्हें माफ नहीं कर सकती ना, तो कम से कम एक मौका तो दे दो। भैया, ये तीनों ना माफी के लायक हैं, ना मौके के। मौका उन्हें दिया जाता है जिन पर विश्वास हो और भरोसा हो, और हमें इन तीनों पर राई के दाने बराबर भी ना कोई उम्मीद है ना भरोसा। आप लोगों की मौज मस्ती में हमारे पति की नासमझी से खलल पड़ा, क्षमा कीजिए। जैसे आए हैं वैसे ही लौट जाए। जानकी, सभा समाप्त। ये इतने साल बाद वापस इतनी मुश्किल से यहाँ आए हैं, ऐसे नहीं जाने दे सकती मैं। ये पूजा बच्चों की सुख शांति के लिए की जाती है,
घर में कुछ शुभ काम होने से पहले। दिल से तो आज तक नहीं निकाल पाई हैं, तो इस घर से अपने बच्चों को क्यों निकाल रही हैं? अजी हाँ, हमारा नाम जानकी है, विक्रम नहीं, जो बेताल बनकर हमारे गले में पड़ गई हो। मुझे जितना मर्जी आप डांट देना, पर प्लीज मेरे पापा को माफ कर दीजिए जानकी माँ। चौबीस साल से वो आप सबको मिस कर रहे हैं, वो यहाँ अपने मेहंदी वाले घर सिर्फ और सिर्फ आप सबसे माफी मांगने के लिए आए। प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। इंसान की गलती से जो रिश्ते टूटते हैं, अगर वो जुड़ने लगे तो उसे भगवान का आशीर्वाद मानना चाहिए, और एक बार ये घर जुड़ गया ना तो फिर कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं। आपसे ये सब उस लड़की ने कहा ना? क्या नाम था उसका? था नहीं, है, मौली। राम जी हमेशा उसे खूब खुशियां दे। लिसन मिस, अब देखो जो भी तुम्हारा नाम, ठीक है, ये रिश्तेदार एंड ऑल ये सब मेरा सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। अब तुम रिश्तेदारों पे अगर मुझे लेक्चर दोगी तो इसमें सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट होने वाला है। देखो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें इस कमरे के लिए डबल पेमेंट देने को तैयार हूं। व्हाट्स इट, प्लीज मुझे अपना कमरा दे दो प्लीज। पे मैं कर देती हूँ ना तुम्हारे रिटर्न टिकट के लिए, और तुम आए क्यों इंडिया, जाके रहो ना लंदन में। वो अब देख, अच्युत दत्ता से बात करने की कोशिश करता हूं। विजू, विजू बच्चे नहीं आए? आ रहे हैं। और आपके? नहीं, वो माँ की तबीयत का सुनकर हम तो जल्दी जल्दी में आ गए। बेटा बहू और गुड्डी कल आ रहे हैं। शादी? स्वरा दीदी, वो की शादी भी हो गई और बच्चा भी हो गया इतनी जल्दी? कोई जल्दबाजी नहीं की हमने, सही समय पे सही उम्र में सब राजी खुशी हो गया, लव मैरिज की है, पर रहते हमारे साथ है, छोड़कर नहीं गए। नन्हे भैया, चलिए। जानकी माँ मिश्री। Thank you.
ससुराल के रिश्तों को छोड़कर मायके चली गई थी ना, क्योंकि यहां सिर्फ लोग थे और वहां पैसा। पर हमें तुम्हारे पैसों की मिश्री से ज्यादा अपनों की चीनी और इलायची ज्यादा सुहाती है। ज्योति जी, मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छे से पेट भर के खाना खिलाना जी। चलिए नन्हे भैया। जामो। हाँ पापा। मौली, अजंता आई नहीं अभी तक? मम्मा शॉपिंग के लिए नीचे गई है, जैसे ही वो आएंगे मैं उन्हें घर लेकर आ जाऊंगी। What? मुझे भी घर आना है? हाँ बेटा, हम सब घर पे रहेंगे। जल्दी आना। जी पापा। ओके। पहली बार सब लोग अजंता से मिलेंगे, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। एड्रेस भेज रही हूँ तो जल्दी से आ जा, ठीक है? ओके मॉम। वैसे भी होटल रूम मिल नहीं रहा था, मैं अभी आया। नहीं चाहिए तुम्हारा कमरा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।